सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी यार। तो आप लोगों ने जीटी वर्सेस आरआर का आईपीएल का फाइनल मैच तो देखा ही होगा, जहाँ पे जीटी ने इस बार आते ही पहले ही साल में अपने भाई कप उठा लिया है और उसको मिले थे वहाँ पे 20 करोड़ रुपये, और राजस्थान रॉयल्स जो कि एक रनर अप टीम थी तो उसको मिले थे 12.5 करोड़, भी जो कि क्वालिफायर में निकल गई थी तो उसको वहाँ पे मिले थे 7 करोड़ रुपीज़। लखनऊ सुपर जायंट जो कि एलिमिनेशन वन राउंड में एग्जिट हो गई थी, बाहर निकल गई थी, को मिले थे 6.5 करोड़ रुपीज़। सवाल आता है कि आखिर दूसरी टीमों का क्या हुआ, मतलब उनका तो लॉस हो गया ना एक तरीके से, कोई पैसा मिला नहीं। और भाई प्लेयर्स को मैनेज करने में टोटल का पैसा लग जाता है 200 करोड़ रुपीज़, काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। तो आखिर वो लोग इतना पैसा कहाँ से लाते होंगे कि वो फिर भी अगले सीजन में आके भाई अपनी टीम को बेचेंगे नहीं, अगले सीजन में फिर से आएंगे। या दूसरा अगर जो प्रश्न पूछा जाए तो भाई आखिर बीसीसीआई आईपीएल को कैसे मैनेज कर, ये सबके सभी क्वेश्चंस का भाई आज जवाब जानेंगे इस एक वीडियो में। तो वीडियो में प्लीज बने रहें। वैसे आप लोग अगर जो आईपीएल को फॉलो करते हो तो आप लोग को याद होगा एक चीज़ कि यार आईपीएल को हम लोग पहले बोलते थे डीएलएफ आईपीएल, फिर बोला गया पेप्सी आईपीएल, फिर वीवो आईपीएल, और अब उसको बोलते हैं टाटा आईपीएल। तो ये आईपीएल के आगे ये नाम आखिर क्यों, तो ये जो नाम होते हैं भाई इन्हीं को बोलते हैं टाइटल स्पॉन्सर्स ऑफ द आईपीएल, और ये हर साल कुछ कुछ सालों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद के टाइम में बदलते रहते हैं। और 2 सालों के लिए ही टाटा ग्रुप ने बीसीसीआई वालों को 670 करोड़ रुपीज़ दिए थे, तो ये तो एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया बीसीसीआई के लिए स्पॉन्सर्स के थ्रू पैसे कमाना। दूसरा आ जाता है ब्रॉडकास्टिंग, कि आखिर आईपीएल किस चैनल पे चलाया जाएगा, किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आईपीएल चलाया जाएगा, आईपीएल लाइव दिखाया जाएगा। 2008 से लेकर के 2017 तक के लिए सोनी वालों ने पे किए थे 8200 करोड़ रुपये, मतलब कि 820 करोड़ रुपए पर सीजन के लिए पे किए। 2018 के बाद से जब स्टार वालों ने ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स ले लिए तो पे करते हैं बीसीसीआई को पर ईयर के हिसाब से 3200+ करोड़ रुपये, मतलब भाई 3200 करोड़ रुपये, पहले से एकदम ही 4 गुना ज़्यादा। सोर्सेस की माने तो स्टार वालों ने इसी सीज़न में ही कम से कम भाई 40,000 करोड़ से लेकर के 50,000 करोड़ तक की बिजनेस कर लिया है। सोर्सेस से जो भी पैसा आता है वो आधा पैसा तो बीसीसीआई रख लेता है अपने पास आईपीएल को मैनेज करने के लिए, और जो आधा जो पैसा होता है वो सभी टीम्स में बांट दिया जाता है प्रॉपर्टी। अब यार ये चीज़ सोच रहे होगी कि भाई ठीक है हो गया, लेकिन फिर भी टीम्स को तो 200 करोड़ रुपये जो एक्सपेंस करने पड़ते होंगे, जो ऑप्शन में लगाने पड़ते होंगे, आखिर आईपीएल की जो टीम्स होती हैं ये प्रॉफिट में आखिर कैसे रहती हैं कि हाँ भाई अगले साल भी खेलना है, कोई ना कोई तो प्रॉफिट होता होगा कि ना, कि 10 साल से लगातार ये एमआई सीएसके आरसीबी जैसी टीम्स लगातार बनी हुई हैं। तो इनके प्रॉफिट का सोर्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि टाइटल स्पॉन्सर्स होते हैं वैसे ही टीम के कुछ बहुत स्पॉन्सर्स होते हैं। तो यार आप लोगों ने अगर जो एक आईपीएल टीम की जर्सी को पूरी कंप्लीट यूनिफॉर्म को देखा होगा तो वहाँ पे 10 ऐसे स्पॉट होते हैं जहाँ पे एडवर्टीजमेंट किया जाता है। जैसे इस बार की विनिंग टीम गुजरात टाइटंस के जो टीम स्पॉन्सर थे वो थे एथर, कैप्री लोन्स, जियो, डीकेटी और भी बहुत सारे, सबके सभी जो ब्रांड्स होते हैं ये टीम्स के थ्रू अपना एडवर्टीजमेंट कराने के लिए अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी देते हैं टीम्स को। तो ये तो हो गया उनका फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की बात आ जाए तो वो आ जाती है मर्चेंडाइज के, जैसे हम फैंस अपनी फेवरेट टीम के जर्सी खरीदते हैं, रिस्ट बैंड खरीदते हैं, भाई मोबाइल कवर खरीदते, तो बनाने के और बेचने के जो राइट्स होते हैं तो वो सभी आईपीएल टीम्स अपने कुछ यूथ स्पॉन्सर्स को ही बेचते हैं कि हाँ भाई ये लाभ भी बना सकते हो, वही राइट देते हैं, और वो जो मर्चेंडाइज कंपनीज होती हैं वो राइट्स लेने के लिए आईपीएल टीम्स को अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी देते हैं। तो थर्ड सोर्स ऑफ इनकम जो आ जाता है आईपीएल टीम्स के लिए वो आ जाता है थ्रू आईपीएल की टिकट बेच के। स्टेडियम में जाते हो वहाँ पे आपको टिकट खरीदना पड़ता है, तो उससे भी एटलीस्ट हर मैच से 4 से 5 करोड़ रुपए तक बन जाए, तो अमाउंट का जो 80% होता है वो उस होम टीम को दे दिया जाता है। तो इनसे सभी आईपीएल टीम्स ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहती हैं, इसी वजह से वो हर साल कंटिन्यू करते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ पे लगाते हैं प्लेयर्स को खरीदने में ऑप्शन से, ताकि वो अपनी टीम को स्ट्रांग बना सकें और प्रॉफिट बना सकें। फिर से बात हो गई कि आखिर सभी आईपीएल टीम्स और बीसीसीआई कैसे आईपीएल को या टीम्स को अपनी मैनेज कर पाते हैं और आखिर कैसे वो ओवरऑल प्रॉफिट में बने रहते हैं। तो यार यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन और आ रहा होगा दिमाग में कि अगर जो सभी आईपीएल टीम्स ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहती हैं तो आखिर उनको क्या नीड है कि यार वो टेबल टॉप करें, कि वो टूर्नामेंट जीतें, रनर अप बने या फाइनल उठाएं, क्योंकि फाइनल उठाने के बाद या रनर अप तक पहुंचने के बाद भी उनको कोई अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी तो मिलता नहीं है। 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, 18.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट तो हुई नहीं ना, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू बनी रहे। इसी वजह से ही सबकी सब जो टीम्स होती हैं वो ऑप्शन में अपनी जी जान लगा देती हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे प्लेयर्स उठा लें,
और अपनी टीम को जिता सके ताकि वो अगले साल भी प्रॉफिट में बनी रहे। इस साल तो बनी रहे, अगले साल भी प्रॉफिट में बनी रहे। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। बाय बाय।